धन्यवाद महोदया, आपने मुझे इस खेल के ऊपर बोलने का एक अवसर दिया। अभी मेरे मित्र अनुभव जी ने कहा कि खेल बहुत जरूरी है, उन्होंने बहुत शानदार एक कविता पढ़ी। 2014 से पहले एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। मुझे लगता है इस सदन के अंदर और हर एक भारतीय ने अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में, अपने बचपन के अंदर इसको भुगता है। घर में भी लताड़ा जाता था, स्कूल में समय नहीं मिलता था, खेलने के लिए जगह नहीं मिलती थी, कोई वातावरण नहीं होता था, कोई सिस्टम नहीं होता था। ये हम सब इसमें से निकले हुए हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मेरा जीवन एक खिलाड़ी के रूप में भी रहा है और एक सैनिक के रूप में भी रहा है। मैंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है, और वो परिवर्तन ये है कि ये जो कहावत थी, जो इतने सालों से, दशकों से चलती आ रही थी, ये कहावत बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। ये जो एक परिवर्तन आया है, ये 2014 से परिवर्तन आया है। जो खेलेगा वो खेलेगा। उन्होंने एक माहौल बदलने की एक कोशिश करी है। आमतौर से जितनी सरकारें होती थी, खेलकूद को इतना महत्व नहीं देती थी कि हाँ खेल भी होता है, ठीक है, जो खेलना चाहेंगे खेल लेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ओलंपिक टास्क फोर्स, 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही एक ओलंपिक टास्क फोर्स बनाई, और फिर उस ओलंपिक टास्क फोर्स के अंदर जो विशेषज्ञ थे उन्होंने बताया कि किस तरह से ओलंपिक में तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक देश के अंदर माहौल बदलने की कोशिश करी, फिट इंडिया का उन्होंने नारा दिया, फिटनेस का, स्वास्थ्य का। अगर खेल इंपॉर्टेंट नहीं है तो चरित्र तो इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य तो इंपॉर्टेंट है, और जो खेलता है उसका चरित्र खेल के मैदान में दिखाई देता है, जो खेलता है उसका चरित्र खेल से डेवलप होता है। तो इसी तरह से पूरे देश के अंदर एक माहौल बिल्कुल बदल गया है, ग्रास रूट लेवल से लेकर एपेक्स लेवल तक, टॉप लेवल तक एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अभी गौरव गोगोई जी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, ज्यादातर उनका भाषण नॉन पॉलिटिकल था, लेकिन अंत में आते आते उन्होंने एक पॉलिटिकल ट्विस्ट उसको दे दिया। मौका उनके पास भी था, यूपीए की सरकारें रही हैं, उनके प्रधानमंत्री रहे, ओलंपिक तब भी होते थे, लेकिन कौन से प्रधानमंत्री ने ओलंपिक टीम को जाने से पहले संबोधित करा, उनकी हिम्मत बढ़ाई कि अच्छा प्रदर्शन करना, हम सब तुम्हारे साथ है, पूरा देश का ध्यान ओलंपिक टीम के ऊपर आकर्षित करा, ओलंपिक के दौरान फोन करके उनकी हिम्मत और बढ़ाई। अगर जब गेम खत्म हो गया, जो भी नतीजा रहा, बढ़िया रहा खराब रहा, उनकी पीठ थपथपाई, फिर तैयारी करो आगे बढ़ो। किस प्रधानमंत्री ने कराया? केवल एक प्रधानमंत्री जी ने, वो है नरेंद्र मोदी। ये बहुत बड़ा फर्क है, ये फर्क मैडम कोई मामूली फर्क नहीं है, क्योंकि मैं उस जीवन से निकला हूं जहां पर खिलाड़ी के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता था। खेलने जाते थे, खेल के आते थे, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते थे, जान की बाजी वहां लगा देते थे, खून पसीना निकाल देते थे, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता था कि कहीं पर कोई खेल हुआ है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि ध्यान आकर्षित करा। और मैं अब पॉलिटिकल, क्योंकि गोगोई जी ने बोला, मैं अब बताता हूं कि 2004 के अंदर इस देश के अंदर सिर्फ एक सिल्वर मेडल आया था, लेकिन उस सिल्वर मेडलिस्ट को भी उस समय के प्रधानमंत्री ने नहीं आमंत्रित करा। उस समय की जो पार्टी के अध्यक्ष थी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, एक भी आमंत्रित नहीं हुआ, एक भी तस्वीर नहीं है 2004 के सिंगल ओलंपिक मेडलिस्ट की उस समय के प्रधानमंत्री के साथ। और आज देखिए, प्रधानमंत्री जी जाने से पहले, बीच में, उनके बाद में लगातार खिलाड़ियों के साथ रहते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। मैं कह रहा था मैडम कि ग्रास रूट लेवल से लेकर एपेक्स लेवल तक एक बहुत बड़ा फर्क आया है। आज एक ऐसे समय जब यूथ स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, उन्हें पहले इस तरह का वातावरण नहीं मिलता था जहां पर खेल का प्रदर्शन करा जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब ऐसा समय है जब इनको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है और अपने स्वास्थ्य और खेलों पर ध्यान देना है, क्यों नहीं भारत के अंदर ऐसे खेल हो जो सर्वश्रेष्ठ लेवल कर हो, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स के लेवल के हो, एशियन गेम्स के लेवल के हो, इस समय इनको अपने प्रदर्शन करने का एक मौका दीजिए, एक प्लेटफॉर्म बनाइए, और फिर इस लेवल से आप 1000 खिलाड़ी उठाइए हर साल और उनको तैयारी का मौका दीजिए। ऐसा एक पूरा का पूरा वातावरण बना गया, खेलो इंडिया शुरू हुआ। खेलो इंडिया जब शुरू हुआ उसमें जिस तरह की फैसिलिटीज होती हैं, राष्ट्रमंडल खेलों की बराबर होती हैं, एशियन गेम्स के लेवल की बराबर होती हैं, लेकिन खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? स्कूल के खिलाड़ी, कॉलेज के खिलाड़ी, जिनके लिए इस लेवल का कोई कंपटीशन नहीं होता था।
मुझे याद है हमारे यहाँ सदन में जो सदस्य हैं उनको याद होगा, आप जब खेलने जाते थे तो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में टॉयलेट के सामने बिस्तर लगा के सो के जाते थे क्योंकि कोई सीट नहीं मिलती थी आपको। लेकिन आज जब खेलो इंडिया के अंदर खिलाड़ी आते हैं तो 4-स्टार होटल में उनको ठहराया जाता है, हवाई जहाज से उनकी यात्रा होती है, बहुत बड़ा फर्क है। एक ऐसा समय जब इस खिलाड़ी को कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, उस समय स्पॉन्सरशिप दी जा रही है। जब एक बार कोई ओलंपिक जीत जाता है, राष्ट्रमंडल खेल जीत जाता है, उसके बाद तो स्पॉन्सर्स की उनके उसके पास लाइन लग जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्पॉन्सरशिप मिलनी तो उस समय चाहिए जब माता पिता को लगे, जब उसके मोहल्ले के रहने वालों को लगे कि हाँ इस लड़की में, इस लड़के में हुनर है, इसको कुछ स्पॉन्सरशिप और सपोर्ट मिलना चाहिए, ऐसे को सपोर्ट दीजिए। तब शुरू हुआ कि खेलो इंडिया गेम्स के अंदर 1000 खिलाड़ी हर साल, और ये गर्व की बात है, हर साल 1000 खिलाड़ी चुने जाते हैं और उनको अगले 8 साल तक हर साल 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है ताकि वो अपनी तैयारी कर सके। बहुत बड़ा फर्क आया। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप लोग फंडिंग करते हो, जो जितनी भी फेडरेशंस की जो टीम्स बाहर जाती हैं, आप उनके एयर ट्रेवल का, खाने पीने का, कोचेस का, रहने का आप खर्चा देते हो, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनकी पॉकेट अलाउंस का क्या होगा? साधारण आमतौर पर खिलाड़ी साधारण घरों से आते हैं, उनके माता पिता की इतनी क्षमता नहीं होती कि विदेश के अंदर पॉकेट अलाउंस दे सके, वहां पे खर्चे ज्यादा होते हैं। मैडम मैं अपनी टीम के साथ जब जाता था वहां पर तो हमारी टीम वाले मैगी के पैकेट साथ में लेके जाते थे, चावल साथ में लेके जाते थे और होटल के अंदर पकाते थे वहां पर ताकि वो पैसे अपने बचा सके। ऐसे खिलाड़ी नहीं तैयार हो सकते। आज देखिए फर्क कितना है कि ये सारी फंडिंग होती है, एयर ट्रैवल, फूड अलाउंस, ट्रेनिंग, कोचेज, ये सारी होती है। इसके अलावा 2014 के बाद 50,000 रुपए पॉकेट अलाउंस प्रति माह दिया जाता है, हर मंथ दिया जाता है टॉप्स के खिलाड़ी को। और फिर प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा कि सिर्फ एलीट खिलाड़ी को आप देंगे तो जो जूनियर खिलाड़ी हैं, जो तैयार हो रहे हैं, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए भी कुछ करिए। तो फिर डेवलपमेंट जो एक ग्रुप बनाया गया, मैं मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं, एक डेवलपमेंट ग्रुप बनाया गया जिसके अंदर जो जूनियर खिलाड़ी है, जो आने वाले समय में एलीट खिलाड़ी बनेंगे, उनके लिए भी पूरी ट्रेनिंग का बंदोबस्त करा गया। देश में, विदेश में, जहां पे भी उन्हें ट्रेनिंग करनी है उस सारी फैसिलिटीज उनको दी जाती है, उनका सारा ट्रैवल, उनका मेडिकल असिस्टेंट, ट्रीटमेंट, सारा कुछ कवर होता है। उसके साथ साथ उनको पॉकेट अलाउंस भी दी जाती है, 10,000 रुपए प्रति माह इन जूनियर खिलाड़ियों को पॉकेट अलाउंस दी जाती है। उसी तरह जो दूसरे जो खिलाड़ी है उनको हर तरह से एक सुविधा दी जाती है। जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज है, नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस, ये पहले सिर्फ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के होते थे, लेकिन आज इन्होंने टॉप्स के नीचे प्राइवेट अकेडमीज भी, जो खिलाड़ी हैं हमारे जो ओलंपिक्स में खेल जीत चुके हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में जीते हुए हैं, उन्होंने अपनी अकेडमीज बनाई हैं, उनमें पैशन है, उनमें नॉलेज है, उनमें टैलेंट है और वो हुनर को पकड़ सकते हैं, तो उनको समर्थन क्यों नहीं दिया जाए? आज मंत्रालय उन अकेडमीज को भी पूरी तरह से सपोर्ट करता है और कम से कम 50 से ज्यादा ये प्राइवेट अकेडमीज आ गई हैं, 23 से ज्यादा नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस हैं जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलाता है। और तो और देश के अंदर जितने भी स्टेडियम्स हैं वो सारे स्टेडियम्स एक ही मोबाइल ऐप पे क्यों ना हो, ताकि जो खिलाड़ी या जो खेल प्रेमी है उसको किसी स्टेडियम को ढूंढना हो तो उसको एक ही मोबाइल ऐप पे मिल जाए कि मैं जहां पर हूं उससे नजदीक कौन सा स्टेडियम है। तो खेलो इंडिया के नाम से मंत्रालय ने एक खेलो ऐप शुरू करी जिसमें 13,000 स्टेडियम्स और खेल के मैदान अभी उसके अंदर शामिल है, उसके अंदर लोकेटेड है सारे के सारे, और 22 लाख स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी इनरोल्ड इन दिस खेलो ऐप इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। इस तरह का एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो साइंस को इस्तेमाल करा, या हमारी सरकार साइंस केवल स्पेस में जाने के लिए नहीं, हेल्थ केवल हेल्थ में नहीं, जहां वैक्सीनेशंस डेवलप हो रहे हैं भारत के अंदर ही, साइंस को स्पोर्ट्स के साथ भी जोड़ा। नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस दिल्ली में तैयार हो रहा है, साइंस स्पोर्ट्स साइंटिस्ट को अब टीम के साथ जोड़ा जा रहा है। भारत की जितनी भी टीमें हैं उसमें मस्योर्स, साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट सब उसमें शामिल है ताकि बेहतरीन प्रदर्शन हो सके। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में शुरू कर दी ताकि हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो सिखाना चाहते हैं, जो कोचेस बनना चाहते हैं, अलग अलग तरह के जो उसमें नॉलेज होती है वो सब भारत के अंदर ही सीख पाए। आप कोचेस की बात कर रहे थे, कोचेस तैयार करने की, सबसे पहले तो एक्स प्लेयर्स को
मिनिस्ट्री में टीम्स के लिए कोचेस नियुक्त करा गया है, पूर्व खिलाड़ियों को कोचेस बनाया गया। और उससे भी बड़ी बात, यूपीए सरकार के समय एक कैप लगी हुई थी कि 1,00,000 रुपए से ज्यादा भारत के कोच को नहीं मिलेगा। उस कैप को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हटाया, आज 3,00,000 रुपए तक हमारे भारत के कोचेस को दिया जा रहा है। ये हमारी टैलेंट है, हम अपनी टैलेंट को नहीं मानने को तैयार थे कि हाँ विदेशी कोच आएगा तो उसको $10,000 देने को तैयार है, लेकिन भारत का कोच है तो 1,00,000 से ऊपर नहीं मिलेगा। क्या मायना है इस कैप का? लेकिन इस कैप को हमने हटाया और आज भारत के कोचेज हैं जो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। जो इनाम होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, उन इंसेंटिव्स को बढ़ाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 7,50,000 रुपए होता था पहले, आज 25,00,000 रुपए उसको कर दिया गया है। अर्जुन अवार्ड 5,00,000 रुपए होता था पहले, आज 15,00,000 कर दिया गया है। उसी तरह द्रोणाचार्य अवार्ड 5 से 15, 5 से 10। इस तरह से हर तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ी जो बात करी वो ये कि एक वातावरण बनाया पूरे देश के अंदर। मैं खुद जानता हूं और खिलाड़ी सारे कहते थे कि सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करा जाता था खिलाड़ियों को, एक द्वितीय श्रेणी के नागरिकों की तरह ट्रीट करा जाता था। आज माहौल ऐसा बना है देश के अंदर कि जो भी हीरो है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के अंदर हीरो हो, चाहे हमारे डिफेंस सेक्टर के हीरो हो, चाहे हमारे स्पोर्ट्स फील्ड के हीरो हो, वो इस देश के सर्वप्रथम या सर्वश्रेष्ठ नागरिकों के अंदर उनका नाम गिना जाता है। ये माहौल पूरा का पूरा बदला है। आज यूथ खेलने की कोशिश करता है, खेलने की मंशा रखता है। आपने शिवा केशवनन का नाम दिया, गौरव गोगोई जी ने शिवा केशवनन का नाम लिया। आपने सही कहा कि शुरुआत में उसको फंडिंग नहीं मिलती थी, शुरुआत में हमारी सरकार भी नहीं थी। और मुझे पता है कि शिवा केशवनन को जब हम खेल मंत्री, खेल मंत्रालय हमारा था, तो हमने शिवा केशवनन को फंडिंग दी है। तो ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, और आपने उसको माना, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे स्टेट्स हैं, आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि कुछ स्टेट्स अच्छा काम कर रहे हैं, अनुभव जी ने भी बोला। और निस्संदेह आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये सेंटर का सब्जेक्ट तो है ही नहीं, ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है। और स्टेट के सब्जेक्ट के अंदर कुछ स्टेट्स शानदार काम कर रहे हैं, हरियाणा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ओडिशा अच्छा काम कर रहा है, मध्य प्रदेश अच्छा काम कर रहा है। यूथ के नाम पर सिर्फ राजनीति करना कि युवा भारत है हमें बनाना है, सिर्फ वो बोलने से नहीं चलता, वहां पे फंड की घोषणा करनी पड़ती है, नीतियां ऐसी बनानी पड़ती है जिससे युवा आगे बढ़ सके, आइकॉन्स ऐसे पॉजिटिव बनाने जरूरी है। देश के अंदर बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां ड्रग्स और नार्कोटिक्स बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जहां जहां खेल होंगे वहां ये ड्रग्स आगे नहीं बढ़ सकती। ड्रग्स को रोकने का सबसे शानदार एक ही तरीका है कि हमें खेल को प्रमोट करना चाहिए, और खेलों का प्रमोशन भारत में आज बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसलिए मैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी को, खेल मंत्रालय में अनुराग जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने खेलों को बढ़ावा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।